नमस्कार, मैं मनीष मिस्त्री। स्वागत है आपका मनीष मिस्त्री चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे एलिगेशन पार्ट 4। सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अगर इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखे हैं तो आप पहले इंट्रोडक्शन क्लास को ज़रूर देख लीजिए एलिगेशन का, और उसके बाद आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह से आप धीरे धीरे करके देखिए शुरू से, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आएंगी। और आपको एग्ज़ाम में अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा तो आप बिल्कुल उसको आसानी से बना पाएंगे। और मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से ही देखिए इसको। शुरू से देखने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 प्रकार का गेहूं जिनका क्रय मूल्य क्रमशः 4 रुपये 80 पैसा, 5 रुपये 76 पैसा तथा 6 रुपये 96 पैसा है प्रति किलोग्राम, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 5 रुपये 64 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि 3 प्रकार का गेहूं जिनका क्रय मूल्य है क्रमशः 4 रुपये 80 पैसा, 5 रुपये 76 पैसा तथा 6 रुपये 96 पैसा प्रति किलोग्राम, किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 5 रुपये 64 पैसा प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखिए यहाँ पे तीनों आपका क्रय मूल्य है, 4 रुपये 80 पैसा भी क्रय मूल्य है, 5 रुपये 76 पैसा भी क्रय मूल्य है, और 6 रुपये 96 पैसा भी क्रय मूल्य है, और 5 रुपया 64 पैसा भी आपको क्रय मूल्य है। तो यानी कि ये आपको जो है कोई इसमें मतलब आपको और कुछ नहीं करना है, बस इसका मान आपको बैठा देना है। पहले हमने पढ़ा था 2 प्रकार का पढ़ा था, लेकिन इस बार आपको 3 प्रकार का चीज़ दिया हुआ है, 3 प्रकार का वस्तु दिया है। तो 3 प्रकार के लिए देखिए क्या करते हैं हम। जो पहला है यानी 4 4.80 है, तो हम उसको पहला पॉइंट पे पहली बात, दूसरे पॉइंट पे दूसरी बात, और दूसरा पॉइंट पे फिर आपको लिख देंगे, और फिर तीसरा जो है आपको बात वह यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा कैसे मैंने किया है कि जो आपका पहली बात है वो पहले पॉइंट पे, दूसरी बात जो है दूसरे पॉइंट पे, फिर दूसरी बात आपको दूसरे पॉइंट पे, और फिर तीसरी बात आपको तीसरे पॉइंट पे, इस तरह से आपको मान को लिख देना है। बात समझ आ गया। अब कॉमन आपको क्या है इसमें, कॉमन जो है आपका वह है 5 रुपया 64 पैसा। कॉमन क्या है, 5 रुपया 64 पैसा, क्योंकि ये मिश्रण कह रहा है, मिश्रण का मूल्य 5 रुपया 64 पैसा हो जाता है, तो कॉमन जो है दोनों में एक ही रहेगा। यहाँ भी देखिए कॉमन 5 रुपया 64 पैसा कॉमन पॉइंट पे, और यहाँ भी आपको कॉमन पॉइंट पे 5 रुपया 64 पैसा, तो दोनों जगह कॉमन मैंने कर दिया। और तीनों आपको जो क्रय मूल्य है, तो चारों क्रय मूल्य है, यहाँ भी 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 क्रय मूल्य है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा क्रय मूल्य पे आपको सेट कर दिए। ठीक, अब समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या कीजिए कि इस 5.64 में से 4.80 को घटा दीजिएगा तो 10.84 आ जाएगा। उसके बाद आप 5.76 में से 5.64 को घटा दीजिएगा तो 0.12 आ जाएगा। उसके बाद 5.76 में से 5.64 को घटाइएगा तो 0.12, और 6.96 में से 5.64 को घटाइएगा तो 1.32, और 0.0 कैंसिल दोनों तरफ, यहाँ अनुपात बिठा देना है दोनों में, 0.0 कैंसिल और यहाँ 0.0 दोनों में कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा आपको 12 और यहाँ हो जाएगा 84, और यहाँ हो जाएगा आपको 132 और यहाँ हो जाएगा आपको 12, तो कटा दीजिए इसको, कटाइएगा तो 12 से 132, 11 बराहा आपको गुणा कीजिएगा तो आपको 132 कट जाएगा, यानी 11 बनत में कट जाएगा, तो यहाँ आ गया 11:1, और यहाँ पे आपको कटा दीजिए तो ये आपको 12 7 84 यानी 1:7 आ गया यहाँ। तो देखिए यहाँ पे आ गया 1:7, और यहाँ आ गया 11:1। यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट पे आपको जो है 1 आया है, दूसरा आपको पॉइंट पे आया है 7, दूसरा पॉइंट पे आपको यहाँ आया है 11, और तीसरा पॉइंट पे आपको आ गया है, तीसरा पॉइंट पे आ गया है 1। ठीक, यहाँ दूसरा पे देखिए 11, यहाँ पे दूसरा पे आपको आ गया 7, और यहाँ पहला पे आ गया है 1। तो अनुपात का रूल मैंने आपको बताया है, मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में पढ़ लीजिए, वहाँ पे मैंने सारे रूल बताए हैं जो मैं अभी बताने आपको जा रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस, प्रतिशत, और अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है तो आप एलिगेशन आसानी से बना सकते हैं, और मैंने तीनों पढ़ा दिया है, तीनों प्लेलिस्ट में आप जाके पढ़ सकते हैं। तो देखिए इसका रूल कहता है कि पहला जो अनुपात होता है ठीक है, दूसरा अनुपात, और दूसरा अनुपात कॉमन है आपको, दूसरा जो है, और दूसरा जो है कॉमन है, तो एक जगह 7 है, एक जगह 11 है, तो यानी कहने का मतलब कि दिक्कत है ना, तो ये दोनों को कॉमन करना पड़ेगा। कॉमन करने के लिए क्या करेंगे, इधर जो 11 है उससे हम ये टोटल में गुना कर देंगे, तो 11 7 77, 11 1 11, और इधर जो आपको 7 है उससे इधर टोटल गुना कर देंगे, तो 11 7 इधर भी 77 हो गया, और इधर आपको 11 7 सॉरी 11 1 सॉरी इधर 7 से गुना करेंगे ना, तो
तो 7 से गुना करेंगे, 7 से तो गुना किए हैं, 11 7 77 हो गया, और 7 से 1 में गुना कीजिएगा तो 7 आ जाएगा। यानी अब देखिए ये जो दूसरा वाला है, ये जो दूसरा वाला है ये भी आप 77 कर लिए, और फिर ये दूसरा भी आपको 77 हो गया, यानी दोनों 77 77 को हो गया, कॉमन वाला 77 हो गया, इधर कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला और तीसरा और दूसरा आपको 77 77 आ गया, तो अब मात्रा निकाल दीजिए। तो पहला का आ गया 11, दूसरा आपको दोनों 77 है तो दूसरा 77, और तीसरा आपको आ गया 7, यानी आपको मात्रा हो गया 11:77:7 के रेशियो में। बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका कि उस एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, उसमें से 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया गया। यदि प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई तो तदनुसार बर्तन में दूध की शेष मात्रा कितनी रह गई। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक मात्रा में 80, एक बर्तन में एक 80 लीटर दूध है, एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, उनमें से 8 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया गया। यदि प्रक्रिया को 2 बार दोहराया गया, यदि प्रक्रिया को 2 बार दोहराया गया तदनुसार बर्तन में दूध की शेष मात्रा कितनी रह गई। तो इस तरह का जो प्रश्न है उसको बनाने के लिए एक फॉर्मूला है, वो ध्यान रखिएगा। ए जो है आपका प्रारंभिक मात्रा है, प्रारंभिक भाग है। बी जो है आपका निकाला या डाला गया मात्रा है, बी आपको निकाला और डाला गया मात्रा है। और एन जो है प्रक्रियाओं की संख्या है, एन जो है प्रक्रियाओं की संख्या है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि प्रारंभिक भाग यानी ए आपका प्रारंभिक भाग, प्रारंभिक भाग कितना है 80 लीटर दूध, तो 80 यहाँ लिख दीजिए। और उसके बाद 1 माइनस बी, तो बी क्या है आपको, बी जो है निकाली या डाली गई मात्रा, यानी 8 लीटर दूध जो है उसको निकाल करके आप पानी मिला दिया, तो 8 लीटर दूध यहाँ लिख दीजिए। तो यहाँ 8 मैंने लिख दिया, और उसके बाद फिर आपको प्रारंभिक मात्रा यानी कि ए है तो यहाँ पे 80 लिख दीजिए। आपको दोहराया गया, प्रक्रियाओं की संख्या एन है तो प्रक्रियाओं की संख्या, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उनमें से 8 लीटर दूध निकाल कर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया, उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। और यदि यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, यदि प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई यानी एक बार तो यह दोहरा दिया गया है और एक 2 बार और दोहराया गया, तो टोटल 3 बार ना दोहराया गया, टोटल 3 बार प्रक्रिया को दोहराया गया, तो आपको प्रक्रिया यानी एन का वैल्यू हो गया 3। और इस तरह से इसको बना दीजिए आप। तो यहाँ पे देखिए 8 से 80 कट गया 10 बार में, तो यानी कहने का मतलब 1/10, और इस वो ऊपर ले जाइएगा तो 9 माइनस 1 माने सॉरी 10 माइनस 1 यानी 9/10 हो गया। और इसको 3 बार अब लिख दीजिए, 80 × 9 × 9 × 9 / 10 × 10 × 10, तो यहाँ पे 9 × 9 × 9 को गुना कीजिएगा तो 729, और 10 × 10 × 10 को गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 1000, 1000 आ जाएगा। तो इस तरह से आप 8 × 729 को गुना कीजिएगा तो 5832/1000, यहाँ गलती से 1 0 छूट गया है, तो सॉरी यहाँ पे जो है 0 आपको जो है कट गया है, इससे 1 0 कट गया है, ठीक। तो यहाँ इस देखिए 8 लिखे यहाँ, है ना, हो गया ना, तो इसलिए आप इसको गुना कीजिएगा तो 5832/100 हो जाएगा। और 2 अंक 2 0 है नीचे बट्टा में, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, यानी कि 5832 लीटर आपको जो है दूध की शेष मात्रा रह गई, ठीक है। बात समझ में आ गया? इस तरह का जब क्वेश्चन रहेगा कि आपको प्रक्रिया वाला कि दोहराया गया है 2 बार 3 बार और उसमें शेष मात्रा पूछेगा, तो आपको हमेशा इस फॉर्मूला पे बनाना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। प्रक्रिया दोहराया गया है और शेष मात्रा पूछेगा, तो आपको इस तरह का फॉर्मूला पे बनेगा, ठीक। बात समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि मदिरा के एक बर्तन में 10 लीटर मदिरा निकाली गई और फिर उसे पानी से भर दिया गया, तत्पश्चात उसमें से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके बदले पानी मिला दिया गया, फलतः बचे हुए मिश्रण को मदिरा और पानी का अनुपात 144:25 है, तदनुसार उस बर्तन की धारिता कितनी है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि मदिरा एक बर्तन से 10 लीटर मदिरा निकाल दी गई, फिर उसे पानी से भर दिया गया, तत्पश्चात उसमें 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके बदले पानी मिला दिया गया, फलतः बचे हुए मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 144:25 है, तदनुसार उस बर्तन की धारिता कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ऐसा जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको प्रारंभिक वैल्यू पूछ रहा है, प्रारंभिक मान पूछ रहा है मदिरा का, मदिरा का प्रारंभिक मान पिछला जो आप क्वेश्चन बनाए थे आप ध्यान दीजिएगा, उसमें आपको प्रारंभिक मान दिया हुआ था कि इतना लीटर मदिरा है, लेकिन इसमें आपको कह रहा है कि मदिरा एक बर्तन से 10 लीटर मदिरा निकाल दी गई, यानी कहने का मतलब कि मदिरा का प्रारंभिक मान नहीं दिया है कि कितना लीटर मदिरा है, ठीक।
तो क्वेश्चन में अगर मदिरा पर प्रारंभिक मान नहीं दिया है तो प्रारंभिक मान पूछेगा कि मदिरा कितना लीटर होना है, कितनी है मदिरा, है ना, यही ना पूछ रहा है कि तदनुसार उस बर्तन की धारिता कितनी है। धारिता का मतलब मदिरा के बारे में पूछ रहा है कि मदिरा उसमें कितना है, यही पूछ रहा है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है। क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। मदिरा एक बर्तन में 10 लीटर मदिरा निकाल ली गई, फिर उसे पानी से भर दिया गया, पानी से तो भर ही दिया गया 10 लीटर निकाल करके। तत्पश्चात उसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, यानी जो आपको पानी भरा गया उसका जो मिश्रण बना फिर उसको निकाल लिया गया, और उसके बदले फिर पानी मिला दिया गया, फिर उसके बदले पानी मिला दिया गया। फलतः बचे हुए मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 144:25 है। तो देखिए मिश्रण को एक बार फिर बनाया और फिर एक बार निकाल लिया, यही ना बात बोल रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह का आपको प्रॉब्लम हो, इस तरह का जो आपको प्रॉब्लम हो यानी क्वेश्चन हो, तो उसको जब भी हम बनाएंगे तो इस फॉर्मूला पे बनाएंगे। फॉर्मूला है आपका a 1 - b/a का होल n, ठीक। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको 144:25 दिया हुआ है मदिरा पानी का अनुपात। तो मदिरा पानी का अनुपात हमने लिख लिया कि 144 आपको मदिरा है तो पानी आपको 25 है, 144 आपको मदिरा है तो आपको पानी 25 है। तो 144 कितना में मदिरा, तो 169 में, 44 और 25 को जोड़िएगा तो 169, यानी 169 के मिश्रण में आपको 44 जो है 144 मदिरा है, और कितना भाग मदिरा, तो 144/169 भाग मदिरा है, और 25 आपको जो है पानी है, अनुपात 25 पानी है, तो कितना में, 169 में, 144+25 169 में 25 है, और कितना भाग पानी, तो यानी 25/169 भाग पानी है आपका, ठीक। तो यानी हम इसको बटा में भी लिख सकते हैं, तो आपको हो जाएगा 144/69, और यहाँ पे आप मान बैठा दीजिए, तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे आपको कि आपको जब प्रारंभिक मात्रा पूछे क्वेश्चन में, तो आपको ए हटा देना है, यहाँ पे जो ए है इस फॉर्मूला में इसको बस हटा देना है, बाकी ये सब लिख देना है आपको, ठीक। प्रारंभिक जब भी आपको मात्रा पूछे तो आपको क्या करना है कि ए हटा देना है, बाकी सब लिख देना है। तो देखिए यहाँ लिख दिए 1 माइनस, और बी का मान आपको 10 हो गया, बी का मान 10 दिया है ना, कि 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, तो बी क्या है, निकाली गई मात्रा या डाली गई मात्रा, तो बी आपको हो गया 10। और उसके बाद ए प्रारंभिक आपको निकालना है, तो बट्टा में ए, और इसको 2 बार दोहराया गया है, कैसे, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 लीटर तो मदिरा निकाल लिया गया, ठीक, उसमें पानी भर दिया गया, ये तो पानी भर दिया गया, और तत्पश्चात उसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल करके उसके बदले फिर पानी मिला दिया गया। तो ये पानी कितना बार मिलाया गया, 2 बार मिलाया गया ना, पानी 2 बार मिलाया गया, यानी ये प्रक्रिया 2 बार दोहराया गया, यानी प्रक्रियाओं की संख्या हो गई 2, यानी एन का वैल्यू हम रख दिए 2, और उसके बाद 144/169, पानी की मात्रा 144 और सॉरी मदिरा की मात्रा 144 और पानी की मात्रा 169। अब इस तरह से इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 1 - 10/a, और इधर आपको स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, 144/69 का रूट कर दीजिए, और 1 - 10/a बराबर 144 का वर्गमूल 12 होता है और 169 का वर्गमूल 13 होता है। और इस तरह से आपको ये जो एक है, इधर जो आपका अंक है और इधर अंक है, तो अंक के तरफ ना अंक ले आइएगा, तो इधर जो प्लस में है तो इसको इधर ले आइएगा एक के पास, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 1 - 12/13 हो जाएगा, और इधर ही माइनस में 10/a है, और इधर ले जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो +10/a हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको जो है 13 ऊपर जाएगा, तो 13 - 12 यानी 13 में से 12 घटेगा 1, तो 1/13 और बराबर हो जाएगा 10/a, यानी कि आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो ए चल जाएगा आपको 1 के पास, और 13 से 10 को गुना कीजिएगा तो 130, यानी आपका जो प्रारंभिक मात्रा है यानी उस बर्तन की जो धारिता है या फिर मदिरा की जो आपकी प्रारंभिक मात्रा है वह 130 लीटर है। यही आपको निकालना था और यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और यदि आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा।